कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ की। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है, इसलिए राहुल गांधी को शुक्रवार को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को ईडी पूछताछ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उनकी तरफ से अपील की गई है कि इस पूछताछ को सोमवार को कर लिया जाए। अभी तक ईडी ने इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तक की पूछताछ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके बैंक खातों, विदेशी जायदाद के बाबत पूछताछ की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन राहुल गांधी ने पूछताछ को पोस्टपोन करने की अपील की है। आपको बता दें कि बुधवार को भी ईडी ने उनसे 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। कहा गया था कि उन्हें शुक्रवार को फिर ईडी दफ्तर आना होगा। उन्हें एक दिन का आराम दे दिया गया था, लेकिन कांग्रेस नेता अब शुक्रवार की जगह सोमवार को पूछताछ में आना चाहते हैं। उनकी तरफ से ईडी को इस बारे में बता दिया गया है। उनकी अपील को माना जाता है या इसे खारिज कर दिया जाता है, ये कुछ समय में साफ हो जाएगा। वैसे राहुल गांधी क्यों पूछताछ को पोस्टपोन करना चाहते हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनकी तरफ से इस सिलसिले में ईडी को कोई कारण नहीं बताया गया है। 3 दिनों की पूछताछ की बात करें तो कांग्रेस नेता से ईडी ने कई तरह के सवाल पूछ लिए हैं। कोलकाता की उस डोटेक्स कंपनी को लेकर भी कई सवाल दागे गए हैं। उस कंपनी को लेकर कहा गया है कि उसने साल 2010 में यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस लोन को यंग इंडिया ने कभी चुकाया नहीं, लेकिन उस कंपनी को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके स्पष्ट जवाब राहुल के पास नहीं है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई दूसरे सवालों के जवाब भी राहुल गांधी एक समान ही दे रहे हैं। इस वजह से पूछताछ का सिलसिला लंबा और धीमा हो रहा है। पहले राहुल गांधी चाहते थे कि ये पूछताछ मंगलवार तक खत्म हो जाए, लेकिन ईडी के सवालों की एक लंबी लिस्ट है जो अभी तक खत्म नहीं हुई। अब जितनी लंबी सवालों की लिस्ट है उतना लंबा कांग्रेस का आंदोलन भी होता जा रहा है। पुलिस के साथ उनके संघर्ष के रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं। कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है, कई को चोट भी आई है, लेकिन सभी हर कीमत पर राहुल गांधी का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली से केरल तक कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहां पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।